रहे हो जी? सैंपल हाँ पेपर जी देखा? देख हाँ जी, हाँ जी। लिया व्हाट आर सॉल्व यू भी कर यूज्ड लिया। बेटा? पुनीत, हाँ जी सर, व्हाट चेंजेस यू हैव सीन बेटा? सर एमसीक्यू सारे कोई वो नहीं है, सॉरी नहीं बोलते, सब्जेक्टिव नहीं है एडजेक्टिव सर, एमसीक्यू है सारे, नहीं बेटे, एमसीक्यू क्वेश्चन। दीज आर सपोज टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिकॉज CBS is already given the pattern that it will be based on multiple choice questions, maybe simple knowledge based, maybe simple multiple choice questions, maybe हाँ then one option numerical, तो चलो बेटे हो ही जाएगा, maybe जी assertion, maybe case study type. There are हाँ five जी सर, six ठीक different type देते of multiple choice questions that can be asked in the examination. तो you are यस to fully prepare yourself accordingly बेटा. डोंट टेक इट लूजली दैट और लाइटली दैट कि ये पेपर चलो जी मल्टीपल चॉइस ही सौखा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा. तो हाँ जी सर, चॉइस भी थी सर, मतलब सर सेक्शन वाइज चॉइस भी थी, जैसे मतलब कि सेक्शन पच्चीस वाइज चॉइस क्वेश्चन थे। बेटे, देखिए डियर चिल्ड्रन, सेक्शन वाइज चॉइस बोर्ड में होती है, आपको पहले भी होती थी वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है. हाँ जी सर, तो जैसे सेक्शन ए में जैसे 25 क्वेश्चन है सर, फिर उसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे सेक्शन बी में 24 है उसमें से 20 अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन हाँ जी, सी में 6 और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। सही तो ये तो फिर आपके 45 मार्क्स बन गए बेटा. द पेपर शुड बी ऑफ सर, 65. सर बट सर इधर तो यही लिखा हुआ है सर, हाँ जी, यहाँ पर तो सर यही लिखा हुआ है 20 20 और 5। नहीं फिर तो देखो पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए ना. इट विल बी 20 प्लस 20 प्लस 5, इट विल बी 45, हाँ और जी इट सर विल बी वो थर्टी मैं फाइव एग्री, देन. हाँ जी सर वो मैं एग्री हूँ, बट सर इधर यही लिखा हुआ है सैंपल पेपर में 20 प्लस 20 प्लस 5। इसका मतलब आपने सही चीज नहीं पढ़ी अभी तक, है ना? सर मैंने खोला हुआ सैंपल पेपर साथ में। ओके, अच्छी बात है. चलिए अब पढ़ भी लें थोड़ा बेटे. हाँ जी हाँ जी सर, आज क्या करना है? आज बेटे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटे, ओके सर, राइट बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटे आई विल बी फोकसिंग मेनली अपॉन, इधर ध्यान दीजिएगा, मेनली अपॉन बेटे कूलम्स फोर्स. क्या होता है कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ? क्या है इसकी डियर चिल्ड्रन एप्लीकेशंस क्या हैं? एंड आफ्टर दैट बेटा वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हो कूलम्स लॉ को? यहाँ पे आप थोड़ा सा कर जाते हैं गड़बड़ वेक्टर फॉर्म में, अदरवाइज आप सारा कर लेते हो. नहीं, पहले दो में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. और सेकेंडली इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाएगा चार्ज डेंसिटीज बेटे, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर देन बेटा सरफेस एंड देन बेटे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है और कैसे हम बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं? इनके बारे में बेटे वन बाय वन हम बात करके डिस्कशन कंप्लीट करेंगे अपना. इसके रिगार्डिंग कूलम्स लॉ बेटे बेसिक लॉ है, एंड आई डोंट थिंक कि आप इसके साथ फेमिलियर नहीं है, आपको अच्छे से आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. फिर भी मैं बेसिक जरूर बताना चाहूंगा आपको, एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पहली बात. और दूसरी बात, इट इज वैलिड फॉर द चार्जेस एट रेस्ट ओनली, मूविंग चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. अगर आपके पास एक चार्ज Q1 यहाँ पे है और अनदर चार्ज Q2 आपके पास यहाँ पे है, इनके बीच में सेपरेशन R के बराबर का है और मीडियम बेटा एयर है दोनों के बीच में, तो आपका इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस रादर देयर सेंटर्स बेटा. इनको दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन कर लीजिएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन,
क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दूं, एफ विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इट इज फॉर द मीडियम एयर। या कई बार आप ऐसे भी लिख जाते हो, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के इज स्टिल योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बेटा। के की वैल्यू याद है सबको पुत्र, हाउ मच के, क्या बोली जा रहे हो के बुढ़िया? अरे पुत्र के है ये, कूलम्स कांस्टेंट है ये। पुनीत हाँ जी सर, बेटा के का वैल्यू बोलिए सर, 1/4 pi epsilon naught बेटे, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कह रहा हूँ। अच्छा सर न्यूमेरिकल, सर आई थिंक 10^-9 सर, सॉरी सर 10^-9। बेटे ये क्या बोल रहे हो आप बच्चों, ये क्या कर रहे हो? इट इज 9 × 10⁹ न्यूटन। यस सर, आ गया, आ गया। This is not yes, sir, very not good at all, right? K को आप इसके साथ directly compare कर लीजिए, आइए देखें करके। K is equal to 1/4 pi epsilon naught है, epsilon naught is called permittivity of the free space, right? And is equal to 1/4 pi, and K की value so बेटे this is your 9 × 10⁹ हमने कर दिया, और you remember this value for epsilon naught or not पुत्र? इसको नीचे करके बोली, आवाज नहीं आ रही। 8.6 देखो सारा उल्टा पुल्टा कर रहे हो आप, गड़बड़ कर रहे हो बेटा, आप बोलो। मैं बताऊं सर? आप बता दीजिए, मोस्ट वेलकम, बताइए। 8.85 × 10⁹ 10⁹ कान पे भी पड़ेगी, 10⁻¹² आएगा। इट मींस गड़बड़ कर रहे हैं आप सर। सर आगे वैल्यू नहीं अभी तक आपको याद हुई, 8.85 × 10⁻¹² and it should be newton inverse meter minus 2 is puneet haan ji bete dekh lo fir ab aap ishpuneet sir pehle hi aa thi sir ab isko abhi revise nahi kiya na jab to kafi time se is karke wo bhul gayi lekin to yaad thi these are always expected to be on your tips beta right yes sir yes चलिए नो प्रॉब्लम बेटे, अगर कोई किसी बच्चे को नहीं याद थी तो अब आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, और ये आपके पास हमेशा इनका इन वैल्यूज का रहना जरूरी है, बिकॉज वी रिक्वायर दीज फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रैंडमली। हाँ जी बेटे बस करो, अब आप रहने दो उसको। आइए बात करें आगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसा होता है और आप कैसे डील कर सकते हो बेटा कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, आप कैसे पुत्र डील करोगे, आइए देखें सोचें इसके बारे में। इमेजिन कर लीजिए आपके पास बेटे ये कोई एक्सिस दिए गए हैं आपको, और इनको आप एक्सिस को ओरिजिन, इन एक्सिस को एक्स, इनको वाई, इनको जेड मार्क कर लीजिएगा। एंड फर्दर मोर यू कैन इमेजिन दैट बेटा वी हैव एन ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट ए पॉइंट विच इज पोजेसिंग ए चार्ज क्यू वन, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट अस सपोज इट इज आर वन वेक्टर बेटा,
और यहाँ पे एक और चार्ज है Q2, इट इज एट पॉइंट बी, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इट इज विथ ए आर टू वेक्टर। आपको कूलम्स फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में वर्कआउट करना है। अगर दोनों आपके लाइक चार्जेस हैं, मैं दोनों को पॉजिटिव चार्जेस इमेजिन कर लूं अगर, तो आपका Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, एंड वी मे कॉल दिस एज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वी आल्सो कॉल इट एज F21, राइट बेटा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड हियर वी विल हैव द फोर्स ऑन द चार्ज वन ड्यू टू द चार्ज टू, दिस इज F12 बेटा, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बेटे मैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लिखूं, मतलब इसको देखूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, आई विल राइट इट टू बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R21 का स्क्वायर R21 कैप, वेयर शुड आई मार्क R21? R21 कहां मार्क करूं उत्तर में? इधर इधर उधर या इधर? एनी वन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन, एनी वन, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग वेक्टर अलजेब्रा टू कूलम्स फोर्सेस। बोल दीजिए पुत्र जी। इस पुनीत हाँ जी सर, बेटे, वेयर शुड आई मार्क R21? आई थिंक ए डायग्राम बी, ए बी सर, ए बी। नहीं, ए बी तो है ही है, ए से बी की तरफ के बी से ए की तरफ? सर बी की एक सर, मतलब कि बी से ए की तरफ। बी से ए की तरफ मार्क करेंगे, ए से बी की तरफ नहीं। ही इज राइट, सो दिस इज योर R21 कैप, टू से वन की तरफ, राइट बेटा? ठीक हो गई बात, समझ आ गई? अगर आप ट्रेंगल लॉ अप्लाई करें, दिस साइड प्लस दिस साइड इट इज इक्वल टू दिस साइड क्लोजिंग साइड, और ये साइड इनके दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, बात खत्म हो गई बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, देन फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन हमारे पास आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1, देन बेटे Q2 upon R12 square R12 कैप, एंड डेफिनेटली R12 कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही? R21 कैप इट इज नेगेटिव ऑफ R12 कैप है। इसको इक्वेशन को मैं पिक कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। F12 दिस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R21 का स्क्वायर, R21 की जगह मैंने लिख दिया -R12 कैप, और जब आप स्क्वायर करोगे तो ये R12 लिख लो या 21 लिख लो, इट विल मीन सेम थिंग। सो 1/2 इट इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, इसकी जगह मैं R12 एंड R12 कैप, नेगेटिव साइन को मैं ले गया आगे यहां पे, राइट। अब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ, ये सारा मुझे देख के बताइए किसके बराबर है? कहीं देखा देखा लगता है, इट इज F21। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज एक्शन, दिस इज नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट जो कूलम्स फोर्सेस हैं, दीज आर न्यूटेनियन इन कैरेक्टर बिकॉज दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो याद रखिएगा हमेशा, कूलम्स फोर्सेस दीज आर न्यूटेनियन इन कैरेक्टर, दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रिएक्शन, राइट बेटा? एनी डाउट सो फार?
इसके बाद बेटे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, आइए जरा उसके बारे में बात करके देखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और हमारे पास कौन कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बच्चों अवेलेबल हैं। आइए जरा बात करके देखें बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में बेटे आपने जो भी आपके पास चार्ज अवेलेबल है इसको बेटे अगर आपके पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसी लीनियर एलिमेंट पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर कोई सरफेस है उस सरफेस पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, और अगर कोई आपके पास वॉल्यूम है तो आपने उसको उस वॉल्यूम में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्जेस आपके बेटे जो हैं इन कॉन्टिन्यूस फैशन पड़े हुए हैं, चाहे वो लीनियर है चाहे वो सरफेस है चाहे वो वॉल्यूम है। तो पहले पुत्र लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा, इसके एंड में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दूंगा मैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। एक हमारे पास वायर है, बड़ी थिन वायर है, आपने ए बी इस वायर का नाम रखा हुआ है, टोटल चार्ज इस पे क्यू है और ये आपने देखिए कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है इन दिस वे। इस पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ डी एल के बराबर है चूज कर लिया, इसका नाम एक्स वाई रखा, और बच्चों यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, यहाँ पे आपने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा, डिस्टेंस इसका आर है यहां से, या ये आर वेक्टर आप कह सकते हो। लैम्डा आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लैम्डा अगर हम डिफाइन करें बेटा, ये अगर डी एल है लेंथ, इतने एलिमेंट पे चार्ज भी आपका थोड़ा होगा छोटा होगा डी क्यू होगा बेटा। लैम्डा बेटे आपका जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोल देते हो आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिट्स पुट कर दें इट विल बी कूलम पर मीटर पुत्र, कूलम मीटर माइनस वन भी कह सकते हो आप, इसके यूनिट्स है लैम्डा। अब आप डी क्यू अगर कैलकुलेट कर लो इट विल बी लैम्डा इनटू डी एल, यहां से कैलकुलेट कर लिया हमने। आपके इस छोटे से एलिमेंट पे डी क्यू के बराबर चार्ज है जो कि आपने निकाल लिया। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जहां आपने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डी एफ लगेगा, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इनटू डी क्यू इनटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप। आप कर सकते हो, अरे कर सकते हैं ना, तो डी क्यू की वैल्यू डाल दीजिए, इट विल बी इक्वल टू बेटा 1/4πε0 डी क्यू इज लैम्डा डी एल एंड क्यू नॉट आपका एस एच है, आर स्क्वायर एंड आर कैप आप ऐसे कर दोगे जी, राइट बेटा। सो इन दिस वे आप अगर टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं इट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस डी एफ और इट विल बी लैम्डा इनटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर लीनियर इंटीग्रल लैम्डा डी एल एंड आर कैप ऑफ कोर्स आप लगा सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, इट कैन बी मैनेज्ड बेटा, राइट। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। अब छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। नोट करिएगा, ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस आर। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सारे स्टूडेंट्स करेंगे। सो आई कैन सी आदित्य शर्मा,
गुंजोत, सिया, वंशिका, आर्यन, इश्पुनीत, मानविया, सुप्रिया एंड मैनी मोर. आई कांट नेम बिकॉज ऑफ द टाइम जी कंस्ट्रेंट. इश्पुनीत, सर। लेमडा. तो लैम्डा होता है सर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज क्या हुआ है लेंथ सर 2/r है, तो बस आ गया सर लैम्डा कितना है अभी बोलिए. सर क्या हुआ अपॉन 2/r सर। 2 पाई आर. यूनिट्स क्या लिखे हैं? सर इसका यूनिट होगा सर ऊपर चार्ज है मतलब सर ऊपर लिख दो कूलम, नीचे लिख दो सर मीटर। ठीक है यस बात बेटा. अच्छा बेटी, एक बात और है देखने वाली. अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए इनकी वजह से, तो सिंपली क्यू नॉट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा. आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो ना बेटे, मैं साथ ही यहाँ पे आपको बेटे कंसेप्ट वो भी बता देता हूँ. आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ये होती है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट. आपका जो टेस्ट चार्ज होता है इट इज वेरी 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 स्मॉल एंड इट अप्रोचेस जीरो बेटा. तो यहां देखो, आपने एफ तो निकाल लिया, यहां पे आप क्यू नॉट को इधर शिफ्ट कर दोगे, इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी. सो यू विल से दैट बेटा ई आपके पास फिर कितना आ गया जी, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू एल कर दो, लेंथ जितनी भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इनटू आर कैप. जरा चेक करके बताइए बेटा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? समझ आ गई सारी उत्तर? राइट, देन बेटे लेट अस कंसंट्रेट अपॉन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करेंगे एंड ऑल दैट. बेटा आइए देखें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करते हैं तो यू आर गिवन वन सरफेस हैविंग सरफेस एरिया से बेटे कैपिटल एस, और आपने इस पे क्यू चार्ज दे रखा है. दिस इज द चार्ज असाइंड टू दिस पर्टिकुलर सरफेस बेटा. राइट जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, आप चार्जेस को अच्छे से शो कर सकते हो. आपने इस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसका आपका बेटे जो है सरफेस एरिया डी एस के बराबर है. अगर सरफेस एरिया छोटा है तो इस पे चार्ज भी डी क्यू के बराबर होगा, छोटा चार्ज होगा थोड़ा चार्ज होगा. इसकी वजह से आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी यहाँ पे है आर डिस्टेंस पे. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हो, ये आर वेक्टर है आपका. पहली बात तो है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे. वी विल से दैट सिग्मा इट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोफिशिएंट है इट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया बेटा, और आपका जो डी क्यू है इट विल बी इक्वल टू सिग्मा डी एस बेटा. और आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो, छोटा सा एलिमेंट है, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर एंड ऑफ कोर्स आर कैप विल आल्सो बी देयर बेटा. सो आप इसको फर्दर मोर बेटे कैलकुलेट कर सकते हो दैट
आप इंटीग्रेट कर दें इसको एफ के लिए, इट इज इंटीग्रल ऑफ दिस डी एफ, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू आपका था सिग्मा डी एस के बराबर एंड इट इज आर कैप बेटा, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। सरफेस इंटीग्रल आप ले सकती हो यहाँ पे, और अगर कहीं आप इस क्यू नॉट को शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आ जाएगी, इट विल बी सिग्मा डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल। राइट बेटा, छोटा सा सवाल आपके लिए, आपको एक हॉलो स्फेरिकल शेल दिया गया है रेडियस आर का, मेटल का बना हुआ है, वो हॉलो स्फेरिकल शेल है, ध्यान से देखिएगा, फुटबॉल की तरह है मेटल का बना हुआ, और इसका सेंटर यहाँ पे है, रेडियस आर है, ठीक है जी। आपने क्यू चार्ज इसको दिया हुआ है और आप इसकी कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा निकाल दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए ऑल ऑफ यू। चार्ज क्यू है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ मेटल हैविंग रेडियस आर, व्हाट विल बी द कोफिशियंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज क्यू अपॉन 2 पाई आर। बहुत बढ़िया गुड़िया, आप बताइए। एलिमेंट को छोड़ दीजिए, आप सीधा बताइए सिग्मा कितना आ गया, इसमें एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं पुत्र। हाँ जी, इधर हमारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, नाइस नाइस, बट वो बताना भी पड़ेगा ना। इश्पुनीत, सर हाँ जी इश्पुनीत, हाँ बोलिए जी बोलिए बोलिए। सर, सरफेस चार्ज होता है सर चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया। तो सर इसका एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर है, चार्ज क्या हुआ तो सर डिवाइड कर दो आपस में जो वो अपॉन 4 पाई आर। यार कह रहे हो दिस नॉट फेयर एट ऑल, बेसिक चीजें हैं राइट बेटा। सो दिस इज इक्वल टू द चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड आर स्क्वायर। तो यूनिट्स पुत्र क्या लिखूं इसके मैं, पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। यस कूलम मीटर माइनस टू बेटे, राइट जी। अब मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाने जा रहा हूं, जल्दी से देखिएगा एंड वर्कआउट भी करिएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग आपके पास एक वॉल्यूम क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, इस पे आपने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली, और इसके अंदर आपका एक छोटा सा एलिमेंट है, ये क्यू चार्ज था, ये डी वी है, ये वी है, ये आर वेक्टर है, ये क्यू नॉट है, रो आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है राइट। तो डियर चिल्ड्रन रो होता है डी क्यू अपॉन डी वी राइट। यूनिट्स क्या लिखूं इसके मैं रो के, बोलो कूलम मीटर -3 लिखूंगा, ठीक है जी। सो बेटा ये करने के बाद आप फोर्स की बात करोगे अगर इस एलिमेंट की वजह से, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे आपको एफ मिल जाएगा, और अगर हम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन की तरफ जाएं, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मतलब है ये बीच में से इसका वॉल्यूम फिल्ड है, खाली नहीं है, फुटबॉल की तरह नहीं है,
आपके शॉर्ट पुट की तरह हैं जिसको आप थ्रो किया करते थे, राइट। इस पे चार्ज आपका क्यू है, आर इसका रेडियस है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा पुत्र? सर क्या हुआ, अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब कूलम मीटर माइनस 3। 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 3 को ऊपर ले जाइए, इट विल बी 3 इनटू क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब कूलम मीटर माइनस 3, राइट बेटे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। इसको बेसिक्स को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, देन बेटे वी विल डिस्कस द थिंग्स अहेड आफ्टर दिस बेटा। तो इसको डिटेल में जाके आज थॉरोली पढ़िए ताकि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको एक एनहांसमेंट मिले बेटे। थैंक यू ऑल बेटा।